Wasallam said that her silence implies her consent. अब यहाँ साइलेंस की भी दो रुख हैं। एक साइलेंस में, एक साइलेंस वो है जिसमें वाकई लड़की का इकरार शामिल होता है, और दूसरा साइलेंस जिसे हम फोर्स साइलेंस कहते हैं, जो कि हमारे कल्चर की हमें देन है। मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इसमें कोई मसला होना चाहिए, और तुम्हारे को तहफजात हैं भी तो कुछ सेटल कर लो। एंड चाइल्ड इज लाइक ओके जी। सो कल्चरल एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन एक्सेप्टिंग द अनएक्सेप्टेबल्स। इट मस्ट नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी कल्चर और एनी ट्रेडिशन टू अब्यूज एनीबॉडीज लाइफ बाय इंपोजिंग डिसीजन दैट आर अनएक्सेप्टेबल टू देम। बड़ी बातें हम करते हैं, सरकारी महकमों में अब्यूज ऑफ पावर हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट में हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट में हो रही है, ब्यूरोक्रेसी में हो रही है। सबसे पहली अब्यूज ऑफ पावर आपके अपने घर से शुरू होती है, जिसका जितना ज्यादा कंट्रोल, जिसकी जितनी ज्यादा पावर, उसके उतने ही ज्यादा फैसले। अब थोड़ी सी और हम लिटरेट लिबरल माशरे की बात करते हैं, वेयर पेरेंट्स और गार्डियंस क्लेम दैट दे प्रोवाइड अ राइट ऑफ डिसीजन टू देयर चिल्ड्रन। उनका भी तरीके वरदात थोड़ा मुलायजा हो। बेटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गर्ल और दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बॉय। वेल सेटल्ड है, यूएस, यूके, कैनेडा, अफ्रीका, व्हाटएवर, बड़ा पैसा है, बड़े वेल ऑफ लोग हैं। पाकिस्तान साल में एक मरतब आते हैं, 15 दिन गुजारते हैं, वापस चले जाते हैं। तुम सोच लो, समझ लो, करना तुमने यही है, और अगर तुमने नहीं किया ऐसा तो बैठे रहना पूरी उम्र तुम कुंवारे, या बैठी रहना तुम पूरी उम्र कुंवारी। अच्छा, बंदा पूछे कि अगर मैं कुंवारा रह भी जाता हूं, लेट्स सपोज, तो मैं कौन सा डायनासोर की आखिरी ब्रीड हूं कि मेरे बाद इस दुनिया में एक बेबी डायनासोर कदम नहीं रखेगा। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस केस, वो बच्चा या वो बच्ची सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि हाँ यार, हमने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, प्यारी तो नहीं है, बट आई विल मैनेज। ठीक है, उम्र में तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, आई विल मैनेज। And if something goes wrong after the marriage, यही parents और यही guardians कहते हैं, हमने ही तुम्हें बेटा सोचने का वक्त दिया था, तुम्हें right of decision दिया था, अब करो compromise। चूंकि इन बच्चों का ताल्लुक literate liberal माशरे से होता है, वो नहीं करते compromise, और separation उनके लिए एक option choice बन के रह जाती है। Engagement के बाद सेपरेशन होना एक कंट्रोलेबल डिसीजन है, बट शादी के बाद सेपरेशन होना लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड, दिस यंग जनरेशन कैन नॉट सेक्रीफाइस देयर हैप्पीनेस फॉर एनी कमिटमेंट टू समथिंग इन देयर लाइफ। जो चीज उन्हें इरिटेट करती है, खुद को उससे अलग कर देते हैं, वो फिर वो शादी का रिश्ता हो या कोई बहुत ही अफजल रिश्ता हो। तभी तो हो रही है डाइवोर्सेस, डाइवोर्स तो फैशन बन चुका है। इन पंजाब 13,299 होला केसेस वर रजिस्टर्ड इन 2012, दैट रोज टू 14,340 इन 2016 एंड अल्टीमेटली रीच टू 19,000 इन 2018। अभी मैं होला केसेस की बात कर रहा हूं, और ये वो केसेस हैं जो कि कोर्ट में रिपोर्ट हुए हैं, जो कोर्ट में रजिस्टर हुए हैं। एक्चुअल फिगर का तो अंदाजा हम कर भी नहीं सकते। और ये वो इलाका है जहां लिटरेसी रेट पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत ज्यादा अच्छी है, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिजेस, आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ लव मैरिजेस, एक्चुअली आई एम अगेंस्ट द फोर्स्ड मैरिजेस, जिसे मैं एक ब्लाइंड मैरिजेस का नाम देता हूं, जिसमें लड़का और लड़की की आंखों पर पट्टी बांध के उनको उनकी शादी करा दी जाती है। ऐसे रिलेशंस में कोई एक बंदा जहनी मफलूज हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज पर कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज पर कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज पर कॉम्प्रोमाइज, और दूसरा शख्स पावरफुल पर पावरफुल होता रहता है, और फिर वो अब्यूज ऑफ पावर को अपना हक समझने लगता है या लगती है। For me, a compromised man or a compromised woman is actually a dead entity.
किसी की जिंदगी से खुशी और सेटिस्फेक्शन को निकाल दिया जाए तो ये उसकी जिंदगी छीनने के मुतरादिफ है, फिर उसकी हैसियत एक जिंदा लाश से बढ़कर और कुछ भी नहीं। और थैंक्स टू सोसाइटी उसी कॉम्प्रोमाइज इंसान पर मजीद प्रेशर डालते हैं, तुम कर लो कॉम्प्रोमाइज, खैर है तुम दिल बड़ा कर लो। वाय जालिम से बात करने किसी की हिम्मत नहीं, तभी डाइवोर्सेज हो रही हैं। और सबसे बड़ा रीजन फोर्स्ड मैरिजेस, दैट लीड्स टू डिप्रेशन, दैट लीड्स टू एंग्जायटी, दैट लीड्स टू फियर, दैट लीड्स टू मेंटल इलनेसेस। यही सोचते हुए ड्यूरिंग दोज फोर मंथ्स आई डिड रियलाइज दैट आई वॉज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, आई वॉज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्स कल्चर, जहां पावर एंड कंट्रोल कागजी गैरत का लिबादा ओढ़े हुए मुझे अपनी तरफ खींच रही है। सो आई स्टॉप माई सेल्फ बिकॉज अगर मैंने इस कल्चर को चेंज करना है तो उसका आगाज सबसे पहले खुद से करना है। और मेरे लिए सबसे बड़ा कल्चर मेरा इस्लाम है, जहां इक्वालिटी की बात होती है, जहां जस्टिस की बात होती है, जहां वुमेन राइट्स की बात होती है, जहां आपको यह दर्श किया जाता है कि अल्लाह सुबहाना ताला के बाद किसी की जिंदगी पर हक सिर्फ उसका अपना होता है, और किसी की जिंदगी खराब करने का हक ना तो मेरे पास है, ना आपके पास है, ना आपकी फैमिली के पास है, और ना इस ज़ईफ माशरे के पास है। और यह बात हमें जितना जल्दी हो समझनी है। थैंक यू लेडीज जेंटलमैन, थैंक यू सो मच।